सोर्सेस, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तीन पहले हम पढ़ चुके हैं पोल्यूटेंट्स यानी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो बाकी चार है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर फोर आपके पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जितने भी नाइट्रोजन के साथ यानी अगर ऑक्सीजन मिला हुआ होगा तो उसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं, और इसमें आपके पास दो बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जो बहुत ही यानी जल्दी से रिएक्ट करती है और जिनके असरात या प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको NO2 से आप डिनोट करते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब टू होता है, तो ऑक्सीजन के टू एटम्स। और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। ये दो आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में काउंट होती है। अब इसके सोर्सेस क्या है या इसको कहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है, यानी अगर पेट्रोलियम या फिर कोल वगैरह का इनकम्प्लीट कम्बशन हो, उसकी बर्निंग इनकम्प्लीट हो, तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब अगर कंप्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी इसकी सोर्सेस में क्या आएगी, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या फिर इसकी जगह इसके साथ आप कोल भी लिख सकते हैं यानी कोयला। ये इसकी सोर्सेस में आ गई है। अब इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये ब्राउन कलर टॉक्सिक गैस है। एक तो है इसका रंग ब्राउन कलर और दूसरा है ये भी टॉक्सिक गैस है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी में आ गई है। इसी तरह इसके असरात क्या है, अगर तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है तो लाजमी बात है कि ये हवा में जाके शामिल हो जाएगी। जब हवा में शामिल होगा तो उसके बाद आपके पास ये भी यानी नाइट्रिक जो ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बारिश के पानी के साथ अगर तो रिएक्ट करे तो आपके पास दो तेजाब बनेंगी, यानी कि फिर से क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड रेन। एसिड रेन आपके पास बन जाएगी, और अगर एसिड रेन बनेगी तब फिर लाजमी बात है कि ये इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए ये मौलिक होगी। उसके अलावा इंसान अगर तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनहेल कर ले, रिस्पायरेशन के थ्रू अगर वो इनहेल करती है तो क्या होगा कि नोज एंड थ्रोट डिजीजेस इसमें पैदा होंगी, नोज एंड थ्रोट डिजीजेस, क्योंकि रेस्पायरेशन में नोज एंड थ्रोट ही आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुंह के जरिए भी सांस ले सकते हैं और नाक के जरिए भी, तो इन्हीं दो चीजों को ये मुतासिर करेगी और इसी तरह नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकती है, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है। ये आपके पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के सोर्सेस, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स। नंबर फिफ्थ आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी जिसको आप CFCs कहते हैं। तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में होती क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तीन गैसेस के मजमुए का नाम है, जिसमें आपके पास क्लोरीन, फ्लोरीन एंड इसके अलावा आपके पास कार्बन शामिल होगा। ये तीन आपके पास गैसेस मिलके क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाती है। अच्छा, इसके सोर्सेस क्या है, इसके सोर्सेस में एरोसोल,
एरोसोल स्प्रे आप कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर भी इसके रिसोर्सेस है, एयर कंडीशनर्स। अच्छा, एरोसोल स्प्रेस क्या होती है? एरोसोल स्प्रेस वो स्प्रेस है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी कीड़े मार अदवियात जो होती है स्प्रे की शक्ल में होती है, या फिर अगर ड्यूड्रेंट्स वगैरह होती है, बॉडी स्प्रे होती है, हेयर स्प्रे होती है, कलरिंग स्प्रे होती है, या अगर किसी भी कमरे को कलर करने के लिए स्प्रेज होती है, वो सब एरोसोल स्प्रेज होती है। उनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बास लोग कहते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका गैस खत्म हो गया है, यानी कि वो क्या होगा कि जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे वो लाजमी बात है कि अगर हम जितने भी रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो जितने क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन है ये वहां से रिलीज होके हवा में शामिल होता जाएगा और इस वजह से रेफ्रिजरेटर से कम होती जाएगी। इसी तरीके से एयर कंडीशनर की इसके इस्तेमाल से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है। ये इसके सोर्सेस है। नेक्स्ट आपके पास है कि ये क्या काम करती है या इसके इफेक्ट्स क्या है। अच्छा, इसके इफेक्ट्स में हम आएंगे, इनमें ये होगा कि ये ओजोन लेयर को बहुत ही ज्यादा मुतासिर करती है। ओजोन लेयर को क्या करती है, उसकी जो थिकनेस होती है उसको खत्म करती है, कम करती है, उसको थिन करती है। तो ओजोन लेयर, अगर आगे जाके इंशाल्लाह आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगी कि ओजोन लेयर को कैसे ये मुतासिर करती है। अच्छा, ये इसके इफेक्ट्स में हो गए। और अगर ओजोन लेयर मुतासिर होगा तो जितने भी हार्मफुल अल्ट्रा रेडिएशन जो वेव्स होगी वो सन से डायरेक्टली जमीन में दाखिल हो सकती है और जमीन के में मौजूद जितने भी जानदार है उसको मुतासिर कर सकती है। ये आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद है ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। अच्छा, ग्राउंड लेवल ओजोन में आप कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है ये भी बहुत ही खतरनाक होती है। और इसी तरह जब किसी भी फैक्ट्री में जो काम हो रहा होता है तो उस फैक्ट्री की वजह से अगर तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, ठीक है, एंड आपके पास CFCs के अलावा अगर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा तब आप कह सकते हैं कि ये गैसेस रिसोर्स होते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस करने में। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलके बनती है। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलाप से ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, सही। अब ये क्या काम करती है या इसके इफेक्ट क्या है? तो ये ग्राउंड लेवल जो ओजोन होती है ये आंखों के लिए भी खराब होती है, गले के लिए भी खराब होती है, इसी तरह चेस्ट के लिए भी, आईज, थ्रोट एंड चेस्ट डिजीजेस इससे होती है, ठीक है। आंखों के इरिटेशन में, आंखों में इरिटेशन पैदा करती है। इसी तरीके से कांसने की बीमारी इससे प्रोड्यूस होती है और चेस्ट डिजीजेस इसमें प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ये पौधों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है, यानी उनकी ग्रोथ को भी रोकती है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को भी ये क्या करती है कि एक किस्म से उनको रोक देती है। ये हो जाएगी आपके पास ग्राउंड लेवल ओजोन। इसके बाद लास्ट वन है आपके पास लेट, जिसको PB सिंबॉलिकली आप शो कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या होती है, जितने भी फैक्ट्रीज होती है उसमें रोजमर्रा की जो चीजें प्रोड्यूस होती है उससे ये लीड बनती है। रोजमर्रा की कौन सी चीजें होती है, लाइक पेंट्स, अगर कोई फैक्ट्री पेंट बनाती है या फिर बिल्डिंग मटेरियल बनाती है, बिल्डिंग मटेरियल यानी जिससे बिल्डिंग्स वगैरह
या इमारतें बन सकती है। इसके अलावा फ्यूज वगैरह या फिर इसके अलावा बहुत सारी रोजमर्रा की चीजें। अगर तो कोई ऐसा फैक्ट्री है जो ये सब चीजें प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से ये लीड बनती जाती है, और जब ये बनती है तो ये बहुत यानी जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक होती है। छोटे बच्चों में सबसे पहले एक तो होती है कि उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें होती है, यानी छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक है कि उनके जितने भी सीखने की सलाहियत है उसको रोकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी उनमें पैदा करती है, या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अगर बाज बच्चे होते हैं जो जितना भी पढ़ने की कोशिश करते हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो हो सकता है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो चल रही होती है और इस लेट के प्रोड्यूस प्रोडक्शन की वजह से उनमें ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन पैदा होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ हेयरिंग यानी सुनने की बीमारियां जो सलाहियत है वो भी इनसे ख़त्म होती है, ठीक है, ऐसा ऐसा उसमें कमी आती जाती है, या आप कह सकते हैं कि ये स्लो ग्रोथ भी इसका भी बायस बन सकती है। इसी तरीके से ये बड़े लोगों में भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। तो ये आपके पास वो तमाम एयर पोल्यूटेंट्स है जो अपने ही यानी इंसानों की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, हमारे अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है और हमारे ही माहौल को ख़राब कर रही है। तो इसके साथ ही आपका पहला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट में आपके पास इसी का यानी एयर पोल्यूटेंट्स का दूसरा जो टॉपिक है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है, यानी कुदरती ज़राए हवा को मुतासिर करने के लिए या हवा को आलूदा करने के कुदरती ज़राए कौन कौन से है। अच्छा, अब जो जानवर मरे हुए होते हैं तो उनके जिस्म से भी टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो टॉक्सिक गैसेस, लाइक आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे गैसेस जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है, क्लोरीन फ्लोरीन होती है, कार्बन्स होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, इस तरह के बहुत सारे गैसेस केमिकल रिएक्शन के वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं, और यही गैसेस आगे जाके फिर हवा में मिल जाती है और इंसानों और जानवरों के लिए या फिर पौधों के लिए ये खतरनाक साबित होती है। इसके अलावा जो वॉल्केनोज होते हैं यानी आतिशपिशा जो पहाड़ होती है, जब वो आतिशपिशा पहाड़ जब इरप्ट हो जाती है यानी वो जब पट जाती है तो उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा निकलता है उसमें भी बहुत सारे ऐसी गैसेस मिली हुई होती है जो कि हवा में मौजूद हो जाती है या हवा में शामिल हो जाती है और बाद में फिर इन्वायरमेंट को मुतासिर करती है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डिजीजेस कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स, यानी हवा की आलूदगी की वजह से कौन कौन से बीमारियां जन्म लेती है। पहले टॉपिक में भी हमने वो सब डिस्कस कर लिया है कि उनके असरात क्या थे, दोबारा आपको मैं बताती चलूँ कि कौन कौन से इनकी बीमारियाँ हैं। इसमें होता है कि अस्थमा यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है, लंग डिजीजेस होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस यानी सांस लेने के अमल में जो फेलियर होती है, नाकामी होती है, इसके अलावा सरदर्द होती है, कैंसर मुख्तलिफ किस्म के लंग या इस तरह के लंग कैंसर्स वगैरह होते हैं, स्किन डिजीजेस होती है, इरिटेशन ऑफ आई यानी आंखों की जलन या आंखों की सोजिश जो होती है, और हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स भी एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से रूनमा होती है। तो ये फर्स्ट जो एयर पोल्यूटेंट्स सोर्सेस प्रॉपर्टीज और इसके जितने भी असरात है ये यहाँ पे ख़त्म होता है।